हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फुल लर्न में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फाइनली देखिए आप लोगों के टैबलेट स्मार्टफोन के संबंध में एक बहुत बड़ी अपडेट्स आई है यूपी की तरफ से। तो फ्रेंड्स, हम इसकी पूरी अपडेट्स यहाँ पे आप सभी को बताएंगे कि आप लोगों के टैबलेट स्मार्टफोन का वितरण के संबंध में ये अपडेट्स है, कब से आप लोगों के वितरण किए जाएंगे, पूरे अपडेट्स यहाँ पे आप सभी को दिए जाएंगे। पूरी जानकारी बताने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, जैसे कि सभी जानकारी आप सभी को प्राप्त हो सके। और जिन लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर ले, जैसे कि हमारे द्वारा अपलोड किए गए कोई भी वीडियो रहे वो सभी की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो फ्रेंड्स, जिन लोग वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किए वो सभी स्टूडेंट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स को ये लैपटॉप और स्मार्टफोन के वितरण के संबंध में है जो कि अपडेट्स मिल सके, वो सभी स्टूडेंट्स भी है जो कि इसका लाभ उठा सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आप सभी को मैं पूरी अपडेट्स यहाँ पे देखिए बताने जा रही हूँ। वीडियो को ध्यान से अवश्य देखिएगा कि आप लोगों को ये अपडेट में बताया गया है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देखिए सबसे पहला हेडलाइंस में आप सभी को दिख रहा है, कैबिनेट से टैबलेट खरीदने के प्रस्ताव को मिलेगी मंजूरी, स्मार्टफोन की आपूर्ति जल्द, यूपी में लोकसभा चुनाव से पहले 15 लाख टैबलेट भी बांटने की तैयारी। जैसे कि फ्रेंड्स, हेडलाइंस में यहाँ पे आप सभी को बताया गया है कि यूपी में लोकसभा चुनाव से पहले है जो कि 15 लाख टैबलेट भी बांटने की तैयारी की गई है। आगे यहाँ लिया गया है, यहाँ पे बताया जा रहा है लोकसभा चुनाव से पहले योगी सरकार युवाओं को 15 लाख टैबलेट भी बांटेंगे, ये टैबलेट स्मार्टफोन के अलावा दिए जाएंगे। सरकार युवाओं को 25 लाख स्मार्टफोन सितंबर के दूसरे सप्ताह से बांटना शुरू कर देगी। स्मार्टफोन के बांटने के बारे में बीते मंगलवार को कैबिनेट में फैसला लिया गया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया जा रहा है कि सरकार युवाओं को है जो कि 25 लाख स्मार्टफोन सितंबर के दूसरे सप्ताह से बांटेगी। जैसा कि फ्रेंड्स, यहाँ पे सितंबर के दूसरे सप्ताह शुरू हो चुकी है और यहाँ पे आप लोगों के हैं जो कि लैपटॉप और स्मार्टफोन का जो भी वितरण किया जाना है वो सभी शुरू हो चुकी है। उसके बाद यहाँ देखे दिया गया है 17 लाख स्मार्टफोन वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव से पूर्व बांटे गए थे। तो यहाँ पे 17 लाख स्मार्टफोन है जो कि 2022 विधानसभा चुनाव से पहले है जो कि बांटे जा चुके हैं। बाकी यहाँ पे 25 लाख है जो कि यहाँ पे आप सभी को इस बार दूसरे सप्ताह से बांटने की प्रक्रिया है जो कि शुरू कर दी गई है। आगे बताया जा रहा है टैबलेट और फ़ोन की क्षमता होगी ज़्यादा। योगी सरकार स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 17 लाख स्मार्टफोन व टैबलेट की निःशुल्क बांट चुकी है। यह योजना 5 साल तक चलनी है। स्मार्टफोन की बैटरी की क्षमता इस बार 4000 mAh के बजाय 5000 mAh होगी, जबकि टैबलेट की क्षमता 2 GB के बजाय 3 GB की रैम वाली होगी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के टैबलेट और स्मार्टफोन की क्षमता के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है कि आप लोगों की जो स्मार्टफोन की बैटरी की जो क्षमता है वो 4000 mAh की जगह पे है जो कि 5000 mAh की होगी, और यहाँ पे जबकि यहाँ पे टैबलेट की क्षमता है जो कि 2 GB के बजाय 3 GB रैम की होगी। तो यहाँ पे देखिए पूरी अपडेट्स आप सभी को दी गई है। यहाँ पे जो भी अपडेट्स आए थे मैं पूरे अपडेट्स यहाँ पे आप सभी को अपडेट की हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये अपडेट समझ में आ गई होगी जो भी यहाँ पे अपडेट्स बताई गई है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जैसे कि सभी फ्रेंड्स को ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके। और जिन लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड किए गए कोई भी वीडियो रहे वो सभी की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।